अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि सऊदी फ्रांसी में अगर आपका अकाउंट है और इकामा आपका नया बन गया है, अपडेट हो गया है, तो आपको इसको बेगर बैंक में गए हुए आप अपने मोबाइल से अपडेट कैसे करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, हम क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र आप खोल लीजिए। तो हम देखिए गूगल खोल लेते हैं। गूगल खोलने के बाद यहाँ पर जो है ये सऊदी अरब फ्रांसी का जो वेबसाइट है उस पर हम जाएंगे। उस पर जाने के बाद देखिए फ्रांसी प्लस है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यूज़र और पासवर्ड हमें डालना होगा। तो ठीक है, हमें यूज़र और पासवर्ड हम यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद हम आपको आगे स्टेप दिखाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखिए हमारा यूजर और पासवर्ड हम डालने के बाद हम जब लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद हमारे नंबर पर एक ओटीपी आया और इस ओटीपी हम यहां पर डालेंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद हमारा, तो ठीक है, देखिए हम ओटीपी डाल लिए। अब यहां पर क्लिक करेंगे वैलिडेट, इस पर क्लिक करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा इकामा एक्सपायरी का सिग्नल भी दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इकामा एक्सपायरी का सिग्नल दे रहा है और यहाँ पर देखिए योर आईडी हैज एक्सपायर्ड। तो यहाँ पर क्लिक करने के लिए बता रहा है क्लिक हेयर टू अपडेट योर आईडी। ठीक है, तो इस पर हम देखिए क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या आता है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बता रहा है डेयर कस्टमर प्लीज श्योर रिन्यू योर आईडी, मतलब ये कन्फर्म कर रहा है। तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप देखिए आता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर चौथा स्टेप तक पहुँच गया। अब यहाँ पर देखिए कंफर्म करने के लिए बता रहा है, ये सब कुछ डिटेल दिखा रहा है कि एक्सपायर इतना हुआ था। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आई एग्री, मतलब देखिए रिन्यू आपका सिस्टम सही बात है, आपका कन्फर्म कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप तक चला गया। ठीक है, दूसरा स्टेप मतलब देख लीजिए यहाँ पर कंफर्म फिर करने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंफर्म करने के बाद हमारे एक नंबर पर एक ओटीपी आया। देखिए बता रहा है कि ओटीपी भेजे हैं। अब इस ओटीपी हम यहाँ पर इंटर करेंगे। ठीक है, देखिए ओटीपी हम डालते ही हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हमारा कंफर्म हो गया और यहाँ पर देख लीजिए कि कंफर्म का एरो भी लग गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया। ठीक है, अब कंफर्म होने के बाद हम अब आपको डेट दिखाते हैं कि देखिए पहले मेरा कुछ और डेट था, अभी देखिए मेरा कुछ और डेट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नई बात सीखने को मिला होगा। ओके, शुक्रिया।